हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीजेयर फुलफिल डीजेयर्स पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आज के इस कंप्यूटर के युग में हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर टाइपिंग की। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पांच सबसे ज़बरदस्त ऑनलाइन वेबसाइट्स के बारे में जो ना केवल आपको टाइपिंग करना सिखाती हैं बल्कि इसके साथ साथ आपकी टाइप करने की जो स्पीड है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा देती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले नंबर वन साइट पे चलते हैं जो है, यहाँ पे हमने लिया है इसको keyhero.com। ठीक है, चलिए मैं इसके आपको विजिट करवाता हूँ और किस प्रकार से इस पे टाइपिंग आपको करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आप अपने ब्राउजर में www.keyhero.com टाइप करेंगे तो आपके पास में इस तरह का आपका साइट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ये लिखा हुआ आपको दिखाई देगा टाइपिंग टेस्ट प्ले नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे प्ले बटन पे तो हमारा ये ओपन हो जाता है टाइप करने के लिए और यहाँ पे जो ये स्टार्ट करके आता है इसको आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास में एक टेक्स्ट आ जाएगा और यहाँ पे आपके लिए लिखने के लिए होगा जो नीचे टाइप द वर्ड्स हियर, यहाँ पे आप टाइप करेंगे। और अगर आपको ये पसंद नहीं आया पैसेज, आप इसके अलावा दूसरा पैसेज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट दबा देंगे, क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप नेक्स्ट टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में दूसरा पैसेज आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें भी आपको नहीं करना है तो आप इससे आगे चल सकते हैं नेक्स्ट करके। ठीक है, और जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर देंगे वैसे ही आपको यहाँ पे ये स्पीड और इसकी एक्यूरेसी, जो आपकी स्पीड होगी टाइपिंग स्पीड वो दिखाएगा और यहाँ पे एक्यूरेसी दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आसानी से अपनी टाइपिंग कर सकते हैं और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी पहली साइट जो कि हमें टाइप करना सिखाती है। इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट साइट पे। ये है दोस्तों जिसको हमने नंबर दो पे लिया है, www.retatype.com। चलिए इसकी विजिट करते हैं। ये भी जैसे हमने अभी साइट देखी keyhero.com उसी की तरह से है लेकिन उससे कुछ अच्छी है। क्यों अच्छी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमें टाइपिंग टेस्ट तो प्रोवाइड करवाती है यहाँ पे, उससे ज़्यादा अच्छा इसका एक तरीके से हमें मिलता है कि पैसेज भी बड़ा आता है उससे। ठीक है, और यहाँ पे ही ये साथ की साथ इसमें वर्ड पर मिनट जो आपकी स्पीड होती है और एक्यूरेसी होती है वो सभी दोनों चीज़ें दिखाती रहती है। इसके अलावा इसने एक चीज़ और दी है कि लर्न आप कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लर्न हाउ टू टच टाइप, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, एकदम आप स्ट्रेट कमर करके बैठें और आपके हाथ जो हैं कोहनियाँ जो हैं वो 90 डिग्री पे हों। ठीक है, कीबोर्ड से, और आपकी होम रो पोजीशन कैसी होनी चाहिए, आप शुरू में जब टाइप करने लगते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड जो होता है उसकी रिंग फिंगर ए पे होनी चाहिए, सॉरी लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर एस पे होनी चाहिए, मिडिल फिंगर डी पे होना चाहिए और इंडेक्स फिंगर एफ पे होना चाहिए और जो हमारा थंब होता है वो स्पेस के लिए होता है। ठीक है, और जैसे ही हम राइट हैंड का प्रयोग करेंगे तो वो राइट हैंड की जो लिटिल फिंगर होती है वो हमारी सेमी कोलन पे होनी चाहिए, रिंग फिंगर जो है वो एल पे होनी चाहिए, मिडिल फिंगर के पे होनी चाहिए और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो जे पर होनी चाहिए। ये हमारी होम रो पोजीशन होती है जब हम टाइपिंग करना शुरू करते हैं। जब भी हम टाइप करना शुरू करें तो सबसे पहले हम अपने हाथों को ऐसे पोजीशन करते हैं। ठीक है, और जो हमारा थंब होता है वो स्पेस के लिए होता है, हम किसी भी हाथ का थंब स्पेस के लिए यूज कर सकते हैं। ये इन्होंने नीचे बताया है किस प्रकार से आपको करना होता है। ठीक है, और फिंगर्स का मोशन के बारे में इन्होंने बताया है कि जब भी आप टाइप करते हैं तो आपको कीबोर्ड की तरफ देखना नहीं होता, आप अपने जो टेक्स्ट आपका होता है उसी की तरफ आपकी निगाह होनी चाहिए, चाहे वो स्क्रीन पे हो चाहे पेपर पे हो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइपिंग स्पीड की। जब आप नए नए टाइपिंग करना शुरू कर रहे हैं और सीख रहे हैं तो उस समय आपको आपकी स्पीड के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, आप ज़्यादा बोदर ना करें, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो वो समय लेती है। ठीक है, और समय तो हर चीज़ को लेना ही होता है तभी हम उस चीज़ में अच्छा कर पाएंगे, तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, थोड़ा समय दें, पेशेंस रखें, आपकी टाइपिंग स्पीड दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है,
और लास्ट इन्होंने हमें टिप्स दिया है कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, जब भी आप टाइप करते हैं, आपको कुछ ज़्यादा समय हो गया टाइप करते हुए कि आधा घंटा, घंटा भर, दो घंटा भर, तो उस समय आप थोड़ी सी बोरियत महसूस करने लग जाती हैं, आपकी एक्यूरेसी बिगड़ सी जाती है, तो आप उस समय क्या करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करें, अपनी आंखें बंद करें, आप जो भी आपको, जैसे आप म्यूजिक सुनना चाहें म्यूजिक सुनें, थोड़ी देर बाहर घूमें, तो उससे क्या होता है, आप फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं और दोबारा से आपका काम करने को मन करेगा, आपका टाइप करने का मन करेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये साइट उससे ज़्यादा अच्छी है जो हमने पहले देखी है कि hero.com से, क्योंकि ये हमें बताती भी है और एक अच्छा सा इंटरफेस भी प्रोवाइड करवाती है टाइप करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, साइट नंबर 3 जो है www.10fastfingers.com। दोस्तों ये जो साइट है, ये हमने जो अभी दो साइटें देखी हैं उन दोनों से अच्छी है। क्यों अच्छी है ये भी देख लेते हैं, अभी विजिट करते हैं इस साइट की हम। ठीक है, ये ओपन हो रही है। यस, यहाँ पे दोस्तों जैसे हम अपने ब्राउजर के अंदर 10fastfingers.com डालते हैं तो हमारे पास में इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ पे अगर हमें अपना टाइपिंग करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक मिनट का टाइपिंग देता है कि हम यहाँ से एक मिनट टाइप करें, ये देखो। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे टाइप करना शुरू करेंगे, हमारा यहाँ पे टाइप होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अब हमें एक मिनट नहीं करना, हमें तो 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है, तो क्या करें, तो हम यहाँ पे इसके नीचे ऑप्शन है कस्टम टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, हम इस पे जाएंगे दोस्तों, और जैसे ही कस्टम टाइपिंग टेस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ओपन सेटिंग्स होता है। ठीक है, ओपन सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर हम टाइप करने के लिए यहाँ पे ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन को आप 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 10 मिनट के लिए आप सेट कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, हो गया, अप्लाई कर देते हैं। अब जो आपका टाइम है, यहाँ पे 10 मिनट हो गया, आप यहाँ पे 10 मिनट के लिए टाइप कर सकते हैं जैसे, और जैसे ही आप इसमें गलत टाइप करेंगे, जैसे ये देखना, अभी ये मैंने जैसे गलत टाइप किया तो यहाँ पे आपको रेड कलर शो कर देगा कि हाँ आप गलत जा रहे हो। ठीक है, आप उसको बैकस्पेस करके फिर से वापस इसको अपने को ठीक करके और आगे बढ़ सकते हो ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी थी 3rd साइट जो उस अभी तक जो हमने देखी उनसे अच्छी है। क्यों अच्छी है ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। टाइप करने के लिए तो हमें अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है, लेकिन इसके बावजूद और भी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें हैं। ये टेक्स्ट प्रैक्टिस, नीचे करके टेक्स्ट प्रैक्टिस पे आप जाइए। ठीक है, और यहाँ पे हर रोज़ नए नए टेक्स्ट डलते हैं दोस्तों। ठीक है, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज वही जो आपको टाइप करनी हो, इंग्लिश। ठीक है, जैसे ये है, हमारे पास में 365 वर्ड का आया हुआ है, तो इस पे जैसे हम जाएंगे, ये देखिए ये ओपन हो जाता है, तो हर रोज आपको नए टेक्स्ट मिलेंगे इसमें। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जितनी बार भी आप जाएंगे आपको नए टेक्स्ट मिलते हैं। ठीक है, और जैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे, आपको पूरा आपकी एक्यूरेसी और टाइपिंग जो स्पीड है वो दोनों चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे होते हैं इसमें टेक्स्ट, आपको जो पसंद हो आप टाइप कर सकते हैं। पेजेस भी बहुत सारे होते हैं जिसमें आप जाएंगे, सभी आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको टॉप के अंदर जाएंगे तो शुरू में ही आपको इंग्लिश के और अच्छे अच्छे ये मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारी 3rd साइट थी। अभी चलते हैं साइट नंबर 4, www.typingtest.com। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी विजिट कर लेते हैं। अभी हमारी साइट ओपन हो रही है। देखिए दोस्तों, ये बहुत समय से लोगों को टाइपिंग सिखा रही है ये साइट। ठीक है, और बहुत से लोग इसको पसंद भी करते हैं। बस इसकी एक ही थोड़ी सी कमी है इस साइट की, कि ये जो है ना, ये इसके जो टेक्स्ट हैं वो कुछ गिने चुने ही टेक्स्ट हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बस। ठीक है,
लेकिन इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, जैसे आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं पैसेज, और फिर उसके बाद में अपना टाइम आप ले सकते हैं 5 मिनट का, ठीक है, 1 2 3 4 5 मिनट। तो यहाँ पे आपके पास में 5 मिनट तक का आप टेस्ट दे सकते हैं, 5 5 मिनट करके आप 2 से 3 बार हर रोज टेस्ट दें, इसमें अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से टाइप होता है। यहाँ पे स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट आप क्लिक कीजिए। यस, ये देखिए ये आपके पास में खुल चुका है। अब आप इसमें जैसे ही आप टाइप करेंगे, ठीक है दोस्तों, ऐसे आप इसमें टाइप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको टाइपिंग गेम्स भी देता है कुछ, अगर आप टाइपिंग गेम्स का एंजॉय करना चाहें तो यहाँ पे आपको टाइपिंग गेम्स भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ये इस तरह के की टावर, एक्सन, टाइपिंग रेसर, ठीक है, की ब्रिक्स, टाइपर ड्राइवर, स्पीड टाइपिंग जंप, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट और सबसे जबरदस्त साइट www.indiatyping.com। चलिए विजिट कर लेते हैं इस साइट की भी, कि ये सबसे खास क्यों है इन सभी में। जी हाँ दोस्तों, ये अपनी साइट ओपन हो चुकी है, और इस साइट के अंदर क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये हमें टाइपिंग ट्यूटर प्रोवाइड करवाती है, टाइपिंग ट्यूटर प्रोवाइड करवाती है। ये ना केवल इंग्लिश का और इसके साथ साथ हिंदी का भी हमें टाइपिंग ट्यूटर प्रोवाइड करवाती है। यहाँ से हम हिंदी टाइपिंग भी सीख सकते हैं और इंग्लिश भी, ठीक है। तो यहाँ पे है, सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर देख लेते हैं। ये हमारा इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर है, और इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने ये एक्सरसाइज दी हैं, ठीक है, 12 एक्सरसाइज, 12 के बाद ये 24, 36, 48, ठीक है, टोटल 48 एक्सरसाइज इन्होंने दी हैं हमें टाइपिंग सिखाने के लिए। आप पहली एक्सरसाइज देख सकते हैं कैसे ये टाइप करना सिखाते हैं, इस प्रकार से जैसे हम अपनी होम रो पे रखेंगे फिंगर्स अपनी, उसके बाद हमें ऐसे टाइप करना होगा। ठीक है, डी एफ जे जे के, डी एफ जे जे डी डी एफ एफ जे जे, इस तरीके से हमें चलना है, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। यस, ये तो था, हमें पूरा ये सिखा देंगे अच्छे तरीके से कि आपको किस प्रकार से टाइप करना है। लास्ट का जब हम चलेंगे 48 पे, तो कंप्लीट पैसे जाना शुरू हो जाएगा कि आपको सभी चीज़ें कैसे टाइप करनी है, ठीक है। इस प्रकार से आप टाइप करेंगे। चलिए बैक चलते हैं। ये हमारा हिंदी इंग्लिश ट्यूटर था। अब इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपको हिंदी टाइपिंग करना भी सिखाएंगे कि आप हिंदी टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे यस, ये हमारे पास में 36 एक्सरसाइज हैं। ये और फर्स्ट हमारा होम रो है, किस प्रकार से हमें टाइप करना है, ठीक है, जिस तरह से इंग्लिश का होता है उसी तरह हिंदी का भी है इसके अंदर। और यहाँ पे फिर इन्होंने कॉमन वर्ड्स के लिए एक्सरसाइज दे दिया है आपको, कि आप किस प्रकार से अपनी वो जो पूरा आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप ये यहाँ से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपने टाइपिंग करना सीख लिया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। तो ये ना केवल सिखाती हैं बल्कि आपको टाइपिंग टेस्ट भी दिलवाती हैं। कहाँ से, यहाँ से टाइपिंग टेस्ट पे जाइए, और हिंदी इंग्लिश जो आपको चूज करना हो, जिसमें आपको टाइप करना हो, आप जाके
आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे टाइम 15 मिनट तक का, आप 15 मिनट तक की इसमें टाइपिंग एक समय पे लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे 15 मिनट हमने टाइपिंग समय डाल दिया और स्टार्ट कर देते हैं। चलिए देखते हैं, अब ये ओपन होगा। ये फ्लैश प्लेयर मांग रहा है, यस अभी ओपन हो जाएगा। हम इसको फ्लैश प्लेयर अलाउ कर देते हैं, यस ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास में इस तरह से ओपन हो जाता है आपका सरफेस टेक्स्ट आपके पास होता है। अब आप यहाँ पे इसको टाइप करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप इसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, बैक चलते हैं। तो 15 मिनट तक का आपको समय मिलता है इसके अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे ये हमें टाइपिंग गेम्स भी देता है, डिक्शनरी भी देता है, टाइपिंग टेस्ट के साथ में टाइपिंग टिप्स भी होती हैं इसमें, और किस प्रकार से आपकी टाइपिंग स्पीड मापी जाती है टेस्ट के अंदर वो भी आपको बताते हैं ये लोग, कि ग्रोथ स्पीड आप कैसे मापेंगे, टोटल ऑल टाइप्ड एंट्रीज डिवाइड बाय 5 और डिवाइड बाय टाइम इन मिनट्स। तो ये तो हमारा ग्रोथ वर्ड पर मिनट की स्पीड मापने का होता है। उसके बाद में इन्होंने नेट का भी बताया हुआ है कि ये नेट के लिए होता है आपका, ठीक है। तो इन्होंने आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया गया है किस प्रकार से आपकी स्पीड मापी जाती है, या आप वैसे माप सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, ये थी हमारे पास में 5 बेहतरीन साइटें जो कि आपको टाइप करना सिखाएंगी, और ना केवल आपको सिखाएंगी, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड को बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट बना देंगी, ठीक है, और आप अपना काम बहुत तेजी से कर पाएंगे, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जो भी जल्दी काम करता है दोस्तों, आज उसी का प्रमोशन जल्दी होता है, तो ये आपके लिए हर लिहाज से अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल डीजर फुलफिल डिजायर्स को सब्सक्राइब भी करें। इससे ये साबित होगा कि आप अपने हित के साथ साथ अपने साथियों का भी हित चाहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ पाते रहिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है दोस्तों, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।